9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। संदेश खाली मामले पर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित 17 लोग गिरफ्तार, आरएसएस के लोग अशांति फैलाने के लिए बाहर से बुला रहे हैं लोग। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी पर निशाना, कहा क्या मणिपुर गया बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए बंगाल सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्य। बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी ने कहा संदेश खाली को देखकर नंदीग्राम की याद आती है, जो गलतियां लेफ्ट ने की वही गलतियां तृणमूल कर रही ममता बनर्जी को खुद संदेश खाली जाना चाहिए। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने केंद्र से संदेश खाली में एनआईए टीम भेजने की अपील की, कहा संदेश खाली में जो हुआ है वो कई महीनों से हो रहा था, मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी। संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी ने बंगाल में कई जगह प्रदर्शन किया, उत्तर 24 परगना से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रोटेस्ट किया, सिलीगुड़ी में भी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। एमसी नेता महुआ मोहित्रा को ईडी ने जारी किया समन, 19 फरवरी को फेमा से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया, उपहार के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप। आज बिहार से यूपी में दाखिल होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 18 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेगी यात्रा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के समर्थन में लगाए पोस्टर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान औरंगाबाद में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा मौजूदा सरकार में गरीब किसान बेरोजगार मजदूरों को नहीं मिल सकता है। बिहार के औरंगाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा गरीबों के बारे में सोचने वाली एकमात्र पार्टी है कांग्रेस। सूर्य नमस्कार पर गरमाई राजनीति, अजमेर दरगाह के दीवान जनरल अबदीन अली खान सूर्य नमस्कार के समर्थन में उतरे, बोले सूर्य नमस्कार को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बड़ा आरोप लगाया, कहा बीजेपी के दबाव में पानी बिल माफी योजना को रोकने का काम कर रहे अधिकारी। 13 दिनों तक ईडी की पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, जमीन घोटाला मामले में 21 जनवरी को ईडी ने सोरेन को गिरफ्तार किया। धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल बोले कानून बनाने के लिए इसी सत्र में आएगा धर्म स्वतंत्र विधेयक। धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून लाने के मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा बयान, उमेश पटेल ने कहा कानून लाइए लेकिन कानून के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना सही नहीं। लखनऊ में बोले सीएम योगी, कहा आज के समय में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने को लेकर विवाद नहीं होता, कभी राष्ट्रगीत वंदे मातरम और सरस्वती वंदना को लेकर भी होता था विवाद। 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी वो खबरें जिन पर पूरे देश की नजरें। सहायक अध्यापक भर्ती 2021 का मामला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संशोधित परिणाम पर दखल देने से इनकार किया, सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज की। प्रयागराज में मारे गए माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल की पत्नी जया पाल को नोटिस जारी किया। और चलिए अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली की एक फैक्ट्री में लगी आग से 11 लोगों की मौत, 4 लोग घायल, नरेला की पेंट फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में अनवरगंज इलाके के आलम मार्केट में आग का तांडव, ताज पैलेस में चल रहा था शादी का कार्यक्रम, आग लगने की वजह पता नहीं, आग पर काबू पाया। दिल्ली में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी की ओर से प्रसारण और मीडिया प्रौद्योगिकी पर 28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। बीएस एक्सपो में सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू, ट्राई के अध्यक्ष एके लोहती और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए, कार्यक्रम के जरिए प्रसारण क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।